रितु चौधरी कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुकी है, उनके पास जाऊंगा, लेकिन जरा इंडिया का नंबर गेम भी दिखाइए पीसीआर, क्योंकि इंडिया का नंबर गेम आप समझेंगे तो समझेंगे कि क्यों एनडीए के पास अभी यहां पर एज है और एनडीए सरकार बनाने जा रहा दावा वो पेश करने जा रहे हैं। दिखाइए जरा इंडिया का नंबर, क्योंकि इंडिया का नंबर भी आप देख लीजिए, हम आपको बाइफर्केट करके दिखाते हैं। इंडिया में सबसे बड़ा दल है कांग्रेस, हालांकि इनकी सेंचुरी नहीं हो पाई, एक नंबर कम रह गए 99, चौकाया अखिलेश यादव ने। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी 37 सांसद इनके, इसके बाद आप देखिए टीएमसी तीसरे नंबर पर 29, डीएमके 22, आगे देखिए यहां पर, इसके बाद आप देखिए 9, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी 8, इसके आगे यहां पर 30 अन्य सहयोगी और ये कुल मिलाकर 234 होते हैं। लेकिन ऋतु जी काफी दूर हैं अभी, आप यहां करीब 40 आप नंबर मैजिक नंबर से पीछे हैं, तो आपकी सरकार क्या आप लोग, जैसा कि हमारे संवाददाता कह रहे थे, आप लोग सरकार बनाने को उत्सुक नहीं है या आपके घटक दलों में कोई है जो कह रहा है कि नहीं हमें कोशिश करनी चाहिए? देखिए अभी तो समय ये देखने का है, वॉच करने का है। एक जनता ने साफ संदेश दिया है कि संविधान को बदलने वाले और देश में वैमनस्य फैलाने वाले, जहर फैलाने वाले जो लोग हैं उनको भारत की जनता कतई स्वीकार नहीं करेगी। यह मैंडेट जनता ने बिल्कुल साफ दे दिया। दूसरा मैंडेट आया यूपी से, यूपी से जो आया वो बहुत ही ज्यादा एक संदेश देने वाला है कि आप लाखों करोड़ रुपया खर्च कर दो झूठ के ऊपर, लेकिन जो जनता चाहेगी होगा लोकतंत्र में केवल वही। और दूसरी बात ये है कि अभी आप दलों की बात कर रहे थे कि इनके साथ दल है कि अभी दबाव रहेगा कि नहीं रहेगा, इनके पास 2014 से और 2019 में बिल्कुल साफ इनको जनता का मैंडेट मिला, जनता चाहती थी, जनता ने इनको 2014 में चुनके लाया, इन्होंने हसीन वादे किए जनता के साथ, बहुत सपने दिखाए और उसको वो पूरे नहीं कर पाए, लेकिन जनता ने सोचा कि एक मौका और देना चाहिए और दूसरे मौके में इन्होंने बिल्कुल अपना जो असली रंग था वो दिखाना शुरू कर दिया। और रही दलों की बात, तो दलों के ऊपर बाकायदा केवल दबाव नहीं था, केवल दबाव नहीं था बल्कि डर की राजनीति मोदी सरकार कर रही थी। मोदी जी के साथ जितने भी दल थे उनको डराया धमका के अपने साथ रखा गया, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का डर दिखाया गया, धन का लालच दिया गया, बाकायदा साम दाम दंड भेद जो इनसे हो सकता था इन्होंने उस प्रकार से दलों को अपने साथ मिला के रखा। अच्छा, क्योंकि अभी इनके पास वो जादू है। मैं पूछ लेता हूँ, आप जो कह रही हैं, यही पूछ लेता हूँ, आप जो कह रही हैं, अंजुम आरा आप जेडीयू से हैं, बताइए जरा जो यहाँ पर कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही हैं, आप, मैं तो कह रहा हूँ कि इस बार की सरकार दबाव में होगी, लेकिन ये कह रही हैं कि आप लोगों को दबाव में रखा गया जब जब आप गठबंधन में रहे, हालांकि आप बाहर भी जाते रहे, आप लोगों पर दबाव बनाया गया सीबीआई का, ईडी का, इसलिए आप मोदी जी के साथ रहे और अभी भी इसीलिए हैं साथ में। नहीं नहीं देखिए, इस तरह की बातें बोल करके कांग्रेस की प्रवक्ता अपने नेताओं के जो कर्म रहे हैं करप्शन से रिलेटेड उसको जस्टिफाई नहीं कर सकती हैं। मैं कहती हूँ अगर ईडी सीबीआई की बात है गौरव जी, तो बिहार में नीतीश कुमार जी से बड़ा चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई ना नेता था ना कोई पार्टी थी, लेकिन फिर भी मुझे ये बताए कि कितनी बार एक अन्य मार्ग मुख्यमंत्री आवास में सीबीआई ईडी या इनकम टैक्स का कोई भी पदाधिकारी गया। देखिए आप जब वैसे कर्म करेंगे करप्शन में लिप्त रहेंगे तो देश की संस्थाएं तो अपना काम करेंगी। नहीं नहीं, सवाल तो ये है कि उसके बावजूद अंजुम आरा नीतीश जी का जो इतिहास है उन पर सबसे बड़ा सवाल खड़े करता है। सवाल तो ये है कि एक बार भी कोई सीबीआई ईडी का नहीं गया, उसके बावजूद दो बार इधर दो बार उधर, इसीलिए सब पूछ रहे नीतीश इस बार किसके हैं। गौरव जी ये सवाल ही अभी रिलेवेंट हो जाता है, मैं आप ही के अभी इसी प्रोग्राम में मैं देख रही हूँ कि तमाम घटक दलों ने अपना समर्थन मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी को सौंप दिया है उनके नेतृत्व में सरकार बनने के लिए। तो मुझे लगता है कि अब ये किसका किसे समर्थन, ये सवाल ही रिलेवेंट हो जाता है। और दूसरी बात कि सरकार सवाल इसलिए रिलेवेंट नहीं होता कि इससे पहले भी आप लोगों ने गठबंधन में सरकार बनाई है, नीतीश जी ने शपथ ली है और बीच सरकार में दूसरी तरफ चले गए। मैं वही बोल रही हूँ कि अभी बिहार में जो जनादेश आया है गौरव जी इस बात की पुष्टि करता है, कंफर्म करता है कि बिहार की जनता को भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का ही अलायंस पसंद, तब जाके इतने शानदार प्रदर्शन हुए हैं। और वैसे भी बीजेपी के साथ जनता दल यूनाइटेड का वर्षों का अनुभव है सरकार चलाने का, चाहे वो केंद्र हो चाहे वो बिहार हो, बिहार आज विकासशील बदहाल बिहार से बना,
तो वो एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी के साथ ही हमने काम किया। लेकिन आरजेडी क्या कह रही है, आपने सुना ही होगा, मेरे साथ आरजेडी के मृत्युंजय तिवारी है, मैं उनसे पूछ लेता हूँ। मृत्युंजय जी, वो कह रहे हैं बीजेपी के साथ ज्यादा कंफर्टेबल है, आपके साथ शायद इतना कंफर्टेबल थे नहीं इसलिए छोड़कर दो बार चले गए आपको, और इस बार भी वही रहेंगे। ये तो आप लोग कह रहे हैं कि ये फासिस्ट लोगों के साथ ना रहे, इंडिया गठबंधन की नींव नीतीश जी ने रखी है, सब कोई मान नहीं रहे। जब हमारे साथ थे तो ये बात कह रहे थे कि आरजेडी के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हैं। अच्छा, स्वाभाविक है, उनके साथ है तो बोल रहे हैं। आदर नीतीश कुमार जी सबके हैं, दो दो बार हम लोगों के साथ रहे, आज भी चाचा भतीजा साथ आए हैं। ये रिश्ता जो है ये समाजवादी रहे, रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता बहुत कुछ कहलाता है, और समय पर ये रिश्ता रंग लाएगा। अब लेकिन उन्होंने तो अपना समर्थन पत्र दे दिया भाई, अभी सरकार बनाएंगे वो। हाँ। लेकिन ये सरकार डगमगाती नैया होगी एनडीए की, किस समय डूबेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, और आगे आगे देखिए होता है क्या। डगमगाती नैया होगी, एकदम डगमगाती नैया होगी। आपको लगता है आदरणीय नीतीश कुमार जी हो या एनडीए के साथ, अभी जो भी बीजेपी के साथ हैं, वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो सरकार चलाने का तौर तरीका रहा है, इसके खिलाफत आदर नीतीश कुमार जी हो चाहे चंद्रबाबू नायडू जी हो, उन्होंने सवाल खड़े किए, यही आदर नीतीश कुमार जी थे जो कहते थे कि 14 वाले 24 में नहीं आएंगे। अच्छा, पूजा कर लिया है सब पर। अच्छा, संविधान को, लोकतंत्र को और देश को बचाने के लिए जब समय आएगा तो ये फिर आवाज उठाएंगे, खिड़की दरवाजा वेंटिलेटर सब तोड़कर साथ आ जाएंगे।